जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। बहुत समय के बाद आज मैं आप सभी से लाइव जुड़ रही हूँ, क्योंकि खास अवसर है। देश के तमाम युवाओं ने, खास तौर से मैं कहूँगी, पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूरे हिंदुस्तान के कोने के युवाओं ने आज एक आह्वान किया है। 9 सितंबर आज का दिन, 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए हम सभी तीन चीज़ों को लेकर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहली आवाज़ युवाओं को रोजगार देने की आवाज़, यानी कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दूसरा, निजीकरण के खिलाफ, कि हर चीज़ को निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में देश को सौंपा जा रहा है। तीसरा, PSUs की नीलामी की जा रही, यानी कि जो सरकारी हमारी विरासत है उसकी एक एक करके जो है वो भारत की, केंद्र की, मोदी सरकार उसकी नीलामी कर रही है। तो तीन चीजों के खिलाफ हम, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें तरीके सिखाए थे उन्हीं तरीकों का हम आज इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीका था, याद है आपको? मार्च का महीना 2020, कोरोना महामारी से पूरा विश्व जो है वो एक चेतावनी दे रहा था, जूझ रहा था, पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। और आज पूरे विश्व में दो ही देश हैं जो एक और दो नंबर पर कोरोना महामारी में खड़े हैं। नंबर एक पर अमेरिका और नंबर दो पर भारत आ खड़ा हुआ है। 40 लाख से अधिक मामले पिछले 4-5 महीनों में, 70,000 से ऊपर लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं। रोज मौतों का आंकड़ा देखेंगे तो भारत नंबर एक पे खड़ा हुआ है। रोजाना 80,000-90,000 लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, 1,000 से ऊपर लोग रोज अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने सब कुछ खोल दिया, सब कुछ छोड़ दिया है अब देश की जनता के ऊपर। जब सब कुछ छोड़ ही दिया है तो कमान क्यों नहीं देश का युवा अपने हाथ में ले लेता है। आज इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया रास्ता क्या था, 21 दिन का महाभारत का युद्ध से तुलना की थी इस कोरोना महामारी की, कि हम 21 दिन के अंदर जीत लेंगे इस युद्ध को। लेकिन जुमलों से देश नहीं चलता है, उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वो तैयारी नहीं थी, जिसका खामियाजा आज देश की गिरती अर्थव्यवस्था के रूप में हम सब देख रहे हैं। वो पहिया पूरी तरह से रुक गया इस दौरान, लोग बेरोजगार हो गए, युवा आत्महत्याएं कर रहा निराश होकर। मैं सलाम करती हूँ देश के उन युवाओं को जो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, और आज फिर से उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगाने का काम कर रहा है। 9 सितंबर रात 9 बजे आज हम लोग 9 मिनट के लिए एक दूसरे से बात करेंगे, उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें तरीके बताए थे। क्या था तरीका? ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ, मोबाइल की लाइट टॉर्च जलाओ, और सबने वो किया। लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन मुझे अब लगता है कि वो अपील देश के प्रधानमंत्री ने की थी, बिना तैयारी की थी। लेकिन ये अपील देश के करोड़ों युवाओं की तरफ से, ये एक व्यक्ति एक नेता की तरफ से अपील नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं की तरफ से अपील है। और आज बिल्कुल घंटी बजाओ, सरकार को, सोती सरकार को जगाओ, जिसने वायदा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे। आज मैं घंटी बजाते हुए सरकार के कानों तक इसकी आवाज को पहुंचाते हुए उन्हें जगाना चाहती हूँ, जागिए, क्योंकि देश का युवा जाग गया है, अपना हक और अधिकार मांग रहा है। उसका हक और अधिकार बनता है कि उसे रोजगार, उसके दो हाथों को रोजगार दिया जाए। तो मैं इस घंटी को बजाकर देश के उन करोड़ों युवाओं का समर्थन करती हूँ, उनकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल कर रही हूँ, उनकी मांग में आवाज बन रही हूँ कि करोड़ों युवा, ये दो हाथ जो बेरोजगार हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रोजगार मांग रहे हैं। आपका वो वायदा जो आप भूल चुके हैं पिछले 6 सालों में, उसे याद दिला रहे हैं। मैं आप सभी को कहूंगी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 70% की हमारी आबादी इस देश की, 134 करोड़ के भारत में 70% आबादी युवाओं की है। वो युवा बेरोजगार है, वो दो हाथ रोजगार चाहते हैं ताकि इस देश के विकास में वो पूरी तरह अपने आप को भागीदार बना सके। तो मुझे लगता है कि हर एक को सब चीजें पीछे छोड़कर करोड़ों युवाओं की इस मांग का समर्थन करने के लिए आज घंटी बजाएं, ताली बजाएं, थाली बजाएं, शंख बजाएं, दिए जलाएं,
या टॉर्च की लाइट जलाएं, समर्थन कीजिए, छोटे छोटे वीडियो बनाइए अपना और डालिए। और देश के प्रधानमंत्री से एक ही मांग है, रोजगार दो। खामोश हैं देश के प्रधानमंत्री जी। आज का समय क्यों चुना, मैं भी हैरान थी, सब पूछ रहे थे कि 9 सितंबर 9 बजे ही क्यों चुना गया। इसलिए क्योंकि 9 बजे हर टीवी चैनल प्राइम टाइम दिखाता है और प्राइम टाइम के जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे क्या होने चाहिए, देश की में बढ़ती बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए जो प्राइम टाइम और मीडिया में मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए सरहदों पर तनाव, मिलती चुनौतियां, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, लगातार उनसे सरहदों पर चुनौती मिल रही है। और जून के महीने में हमारे 20 जवान 45 साल के बाद चीन के भारत के सरहद लद्दाख में फायरिंग हुई और हमारे 20 जवान वहां शहीद हो जाते हैं। तो मुद्दा तो सरहदों पर तनाव होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक तरफा जो है वो मीडिया न्यूज चला रहा है। क्या न्यूज चला रहा है, मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाह रही। आप सुबह से एक तमाशा देख रहे हैं, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा देश की गिरती हुई विकास दर जीडीपी अर्थव्यवस्था है, मुद्दा बेटियों के साथ होते हुए लगातार बलात्कार है। दिल्ली भारत की राजधानी है, 90 साल की बूढ़ी मां को घर से घसीट कर बलात्कार किया गया, 5 साल की बच्ची भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में कितने ऑपरेशंस के बाद जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ये सोच सकते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी जहां पूरा शासन प्रशासन सरकार देश चलता है वहां की अगर स्थिति ये है तो दूर दराज के गांव में राज्यों में क्या न्याय की उम्मीद कोई कर सकता है। कहां हमारी बूढ़ी माएं या बेटियां सुरक्षित होंगी, कौन उन्हें न्याय देगा। आप सोच सकते, तो मुद्दा तो ये है ना, लेकिन नहीं, आज मुद्दा बेटियों और मां की सुरक्षा नहीं है, सरहदों की सुरक्षा आज मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, गिरती अर्थव्यवस्था बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आज सरकार के लिए। सरकार के लिए वो मुद्दा है जो मुंबई में चल रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव है और आप देख लीजिएगा जो कौन किसको न्याय दिलाने के लिए निकला है। ये चुनाव बिहार के खत्म होने दीजिए, कोई आपको नहीं दिखेगा। सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, सीबीआई फैसला करेगी। हमें पूरा अपने लोकतंत्र अदालतों पर, इन संस्थाओं पर अभी भी थोड़ा बहुत यकीन अभी बाकी है कि न्याय होगा, लेकिन देश के मुद्दों को बिल्कुल मीडिया में नहीं उठाया जा रहा। इसलिए युवाओं ने इस कमान को अपने हाथ में लेते हुए मजबूर किया है और उम्मीद करते हैं आज 9 बजे का जो प्राइम टाइम नेशनल टेलीविजन दिखाएंगे उसमें ये भी दिखाएंगे कि आज देश के करोड़ों युवाओं ने घरों से निकलकर सड़कों पर निकल के देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की है रोजगार देने की। मैं आप सभी से कहूंगी, जितने भी हमारे युवा शामिल हुए हैं, बिल्कुल राजनीति से उठकर, हर मुद्दे से उठकर, देश के करोड़ों युवा जो बेरोजगार है वो हताश निराश होकर आत्महत्याएं ना करें। बहुत से युवाओं ने आगे बढ़कर ये मुहिम शुरू की। मैं उन सभी युवाओं को जिन्होंने 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री रोजगार दो निजीकरण के खिलाफ, पीएसयूज की नीलामियों के खिलाफ, जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, जो नीलाम कर रहे हैं वो किसकी देन थी, वो धरोहर, वो विरासत, वो खजाना, वो देश का है जिसे आज की सरकार एक एक कर बेच रही है, पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, निजीकरण कर रही है ताकि ये नौकरियां, सरकारी पक्की नौकरियां जो विश्वास दिलाती हैं कि आपके बुढ़ापे में भी पेंशन और आपकी जिंदगियों की सुरक्षा दे, आज वो निजी पूंजीपतियों के हाथ में निजीकरण करके सौंप रही है कि आपके गर्दन पर वो तलवार हमेशा टिकी रहे कि आपकी कब नौकरी जाएगी, कब आपको निकाल दिया जाएगा और आपका जो है वो आगे चलकर भविष्य क्या, कितना सुरक्षित होगा। मैं सभी युवाओं से कहूंगी, लगभग 2000 के करीब युवा इस समय लाइव सुन रहे हैं, बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के करोड़ों युवा रोजगार मांग रहा है। मैं आपसे कहूंगी, देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में है, देश की सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे मांग करेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। राज्यों की सरकारों से मांग करिए, देश की सरकारों से मांग करिए कि हम सभी चाहते हैं कि देश के इस करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जिन्होंने उस समय भी ताली थाली घंटी और सब बजाई थी, आज वो सभी लोग, वो बिल्कुल करोड़ों खरबों पति पूंजीपति जो घंटियां बजा रहे थे अपने मुंबई के बहुत आलीशान मकान में, उनसे उम्मीद नहीं करते क्योंकि उनके बच्चे रोजगारी नहीं, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट
पूंजीपति के बच्चों में उनकी गिनती हो रही है। मैं नाम नहीं ले रही, आप सब जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस गरीब, उस मजदूर, उस किसान, रेड़ी पटरी रिक्शा चलाने वाले के बच्चों की, बेटे और बेटियों की, जो कितनी विपरीत स्थितियों में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इम्तिहान में बैठ कर इम्तिहान पास करता है, लेकिन इम्तिहान के रेलवे बोर्ड के ही बताया इम्तिहान में बैठे, लेकिन रिजल्ट नहीं आए। जब रिजल्ट आ गए, परिणाम आ गए, तो नौकरियां नहीं दी गई उन्हें। ये सब उनके साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ मैं भारत की राजधानी दिल्ली से आज अपनी आवाज को उन करोड़ों युवाओं की आवाज में शामिल करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ। और समय आया, अगर ये आवाज आज भी, एक घंटी की आवाज, ये चेतावनी देश की सरकार, सोती सरकार, राज्य की सरकार नहीं जागी, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ देश के करोड़ों युवाओं को, जब ये सड़कों पर निकलेगा अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए, तब भी ये भारत की बेटी इन करोड़ों युवाओं के साथ सड़कों पर आंदोलित दिखेगी, इनके हक अधिकार, इन्हें रोजगार देने की मांग के साथ। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ। दुआएं करते हैं सरहदों पे शांति बनी रहे, दुआएं करते हैं हमारी माँ बहन बेटियां घरों में सुरक्षित रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि करोड़ों युवाओं के हाथों में रोजगार हो और देश खुशहाली की तरफ बढ़े, किसान आत्महत्याएं ना करें, सोती सरकारें जागे, नहीं तो इन्हें जगाने के लिए देश का युवा आज जाग चुका है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट की बात हुई थी, और मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इसलिए क्योंकि जस्ट आप कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो, वीडियो को शेयर करते हैं, तो संदेश जो आज का था 9 बजे 9 तारीख को 9 मिनट के लिए रोजगार की आवाज़ को हम सोती सरकार तक पहुंचा पाएंगे। और मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ उन करोड़ों युवाओं को जिन्होंने आज ये मुहिम छेड़ी है, और सरकार को कहूँगी अगर आप इस घंटी की आवाज़ से नहीं जागे, तो ये देश का युवा आपकी घंटी बजा कर, आपको झोला लेकर चलता करने के लिए तैयार बैठा है। जय हिंद, जय भारत।